I wish speedy recovery to Rishabh Pant. So hey guys, welcome back to the new vlog. Or actually vlog नहीं, एक just an update. मैं pray करता हूँ कि ऋषभ पंत बहुत जल्दी recover हो जाए और Indian cricket team में बहुत जल्दी आ जाए. तो मैं और उजू पार्क जा रहे थे खेलने के लिए, तो मेरे भाई ने बोला कि ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया. मुझे तो पहले विश्वास ही नहीं हुआ, और उसके बाद फिर वेरीफाई करने के लिए बंदा यूट्यूब गूगल यही सब जाता है. तो मैंने भी यूट्यूब पे देखा, लिखा और वेरीफाई किया कि न्यूज़ सच है. और जिस तरह से उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ है भाई, अकेला बंदा ड्राइव कर रहा था, सोचो गाड़ी में आग लगी, बंदा बाहर निकला, जो भी, बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ है. बीइंग अ क्रिकेट फैन और जो बचपन से क्रिकेट को देखता आ रहा है और अपने क्रिकेट आइडल को जो जिसे वो पसंद करता है, बहुत ज़्यादा लाइक करता है, उसके साथ ऐसा कुछ हादसा होता है तो उसको बहुत ज़्यादा फील होता है. भगवान से मैं यही प्रे करूँगा कि जल्दी से जल्दी ऋषभ पंत रिकवर हो जाएँ, जल्दी से टीम में वापस आएँ. प्रे टू गॉड कि उनको और जल्दी रिकवरी मिल जाए. मैं बचपन से क्रिकेट खेलता आया हूँ, बचपन से क्रिकेट का फ़ैन रहा हूँ. सचिन तेंदुलकर के टाइम से चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वो 2020 हो, वन डे हो, कोई भी क्रिकेट फॉर्मेट हो, मैं क्रिकेट को बहुत पसंद करता हूँ. और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में रहता है कि मैं अपने बच्चे को भी स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं डालूँ. तो और जब आप किसी स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा लाइक करते हो, बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, तो आप नहीं चाहते कि और आप और ये इस तरह की न्यूज़ बड़े कॉमन नहीं है. इस तरह के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट भगवान की कृपा से इतने कॉमन नहीं है. और हम कभी सुनते नहीं कि आपके क्रिकेट आप हम कभी नहीं जानते कि आपके क्रिकेटर के साथ क्या हो रहा है, उनकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, उनको उनकी तबीयत खराब है नहीं खराब है. लेकिन जब इस तरह का बड़ा न्यूज़ जब मीडिया कवर करता है तो दिल पे बहुत ज़्यादा मतलब भारीपन सा फील होता है. तो मैंने सोचा कि मैं अपने दिल की बात करूं. और प्लीज़ मैं एक और बात कहना चाहूँगा, जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मतलब इमोशंस के साथ आप जब खेलते हो ना. एक प्लेयर आई नो, एक इंडिया का बहुत बड़ा नाम है ना, उसके साथ कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, उसका एक्सीडेंट हो गया है. आपने न्यूज़ देना, आप न्यूज़ दो, अपडेट करना है, वेरी गुड थिंग, न्यूज़ चैनल्स बने इसीलिए. लेकिन ज़बरदस्ती उस पर डिबेट करना कि अब तो एक्सीडेंट के बाद वो रिकवर करेंगे, उनको 3 मैच खिलाना पड़ेगा, 4 मैच खिलाना पड़ेगा, फिर वो प्रैक्टिस में आएंगे. ये क्या है बिट्टू, कैप लगा लगा दो, इधर आओ, कम है कैप लगा दो, इधर देखो, हाँ इधर आओ, कम है, हाँ. तो न्यूज़ चैनल्स को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ फालतू के TRP मत लो यार. आप बहुत अच्छे मीडिया में लोग हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मीडिया में. एंटरटेनमेंट का तरीका सही होना चाहिए. आप किसी के बुरे हालात पे, किसी के ऐसे सिचुएशन पे आप अगर TRP बटोरने की कोशिश करोगे तो वो बिल्कुल गलत है. बोलो हेलो एवरीवन, ऋषभ पंत को जल्दी से ठीक कर दो. आई होप जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी, मेरी तरफ से मैं तो भगवान से यही प्रे करूँगा, यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्दी से जल्दी ऋषभ पंत को रिकवर करें. थैंक यू सो मच.